एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रूपा और सामने ही आ रहे हैं क्रिसमस। क्रिसमस के टाइम में केक बनाना ये तो बनते ही है ना, तो आज मैं बनाऊंगी नो बेक ओरियो चीज केक। ये बहुत ही इजी एक रेसिपी है, लेकिन एकदम क्रीमी सॉफ्ट चीजी केक बनके रेडी हो जाएगी। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनते हैं ओरियो चीज केक। लेट्स बिगिन। ओरियो चीज केक बनाने के लिए हमें चाहिए ओरियो बिस्किट। तो चलिए फर्स्ट स्टेप से मैं शुरू करती हूँ। मैंने ले लिया है ओरियो कुकीज चॉकलेट वाला, और इसको अभी क्रश कर लूंगी। ऐसे क्रश कर लीजिए, देख लीजिए ओरियो कुकीज को मैंने क्रश कर लिया है। तो अभी इसके अंदर ऐड करेंगे 4 टेबलस्पून मेल्टेड बटर, और इसको भी मिला देंगे। देख लीजिए ओरियो कुकीज को मैंने बटर से मिक्स कर दिया है। तो अभी मैंने ले लिया है एक केक टिन, और इसके ऊपर मैंने बटर पेपर लगा दिया है। अभी इसके अंदर पोर करूंगी ओरियो बिस्किट का मिक्सचर। 1 इंच थिक करके ओरियो बिस्किट का लेयर मैंने दे दिया है। इसको अभी थोड़ा सा ऐसे सेट कर दीजिए एक स्पैचुला के मदद से, और अभी इसको 1 घंटा के लिए फ्रीजर में रख देंगे सेट होने के लिए। ओरियो चीज केक का बेस हमारी सेट हो रहे हैं, तो इस टाइम में मैं व्हिपिंग क्रीम को व्हिप कर लूंगी। मैं ले रही हूँ अमूल का व्हिपिंग क्रीम 200 ml, और इस व्हिपिंग क्रीम को अभी एक इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से व्हिप कर लूंगी। पूरा के पूरा डबल हो जाएगी। देख लीजिए व्हिपिंग क्रीम हमारी फूल के डबल हो गए हैं, और साथ ही साथ एकदम फोम जैसे तैयार हो गए हैं। तो चलिए अभी चीज को रेडी कर लेते हैं। मैंने ले लिया है 200 ग्राम क्रीम चीज, और ये एकदम रूम टेम्परेचर में है, और रेशियो 1:1 है। जैसे मैं इधर पे ले रही हूँ 200 ग्राम क्रीम चीज, तो उसके साथ ही साथ मैं यूज करूंगी 200 ml व्हिपिंग क्रीम। तो इसके अंदर अभी ऐड करूंगी 2 टेबलस्पून आइसिंग शुगर, ये तो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। ऐड कर दूंगी 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस, और अभी सारे चीजों को बहुत अच्छे से इलेक्ट्रिक बीटर की मदद से बीट कर लूंगी। देख लीजिए चीज हमारी फूल के डबल हो गए हैं, और कितना अच्छा क्रीमी टेक्सचर आए हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टेप में जाते हैं। अभी इस व्हिपिंग क्रीम के अंदर ऐड कर दूंगी चीज मिक्सचर ऐसे, और अभी इस दोनों को फिर से एक बार बीट कर लूंगी। केक का बैटर अभी हमारी रेडी हो गए है, चीज केक का बैटर। तो इसके अंदर अभी मैं ऐड कर दूंगी ओरियो कुकीज ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में, और अभी एक स्पैचुला के मदद से सारे चीजों को मिक्स कर देंगे। चीज केक का बैटर अभी हमारी पूरा के पूरा रेडी है। चलिए लास्ट स्टेप में देख लीजिए ओरियो चीज केक का बेस भी हमारी रेडी हो गए है, तो अभी इसके ऊपर से पोर कर देंगे बैटर क्रीम चीज मिक्सचर ऐसे पोर कर दीजिए, स्प्रेड कर दीजिए। केक का बैटर को मैंने ऐड कर दिया है, और अभी थोड़ा सा डेकोरेशन करेंगे ओरियो बिस्किट से। ऐसे छोटे छोटे टुकड़ा प्लेस कर दीजिए। देख लीजिए नो बेक ओरियो चीज केक का डेकोरेशन भी पूरा के पूरा कंप्लीट हो गए है। तो अभी इसको फ्रिज में रख देंगे 7 से 8 घंटा के लिए। अगर आप लोगों को आइसक्रीम केक पसंद है तो इस केक को ही रख दीजिए फ्रीजर में, तो हो जाएंगे आइसक्रीम केक। लेकिन मैं इसको बनाऊंगी चीज केक, तो रखूंगी फ्रिज में 7 to 8 hours के लिए। फ्रिज में रख दीजिए, उसके बाद ओपन करेंगे। तो फ्रिज में रख के आती हूँ। 5 घंटा हो गए हैं, और मेरी नो बेक ओरियो चीज केक अभी एकदम रेडी है। चलिए इसको निकाल लेते हैं। देख लीजिए हमारी नो बेक ओरियो चीज केक अभी एकदम रेडी। कैसी लगी मेरी ये रेसिपी?
अगर अच्छी लगी ना तो मेरी ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इतने अच्छे अच्छे रेसिपीज के नोटिफिकेशन के लिए नीचे बेल बटन को भी दबा देना। तो आज के लिए इतना ही, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।